हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं यहाँ पे एलजेब्रा ट्रिक। इस वीडियो में हम दो एलजेब्रा ट्रिक सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से देखना इसको। अगर आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू होती है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स जो है इसकी वैल्यू आपके पास है टू, तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा क्या, एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन ओवर एक्स रेज टू पावर एन दैट विल बी इक्वल टू टू, एंड एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन ओवर एक्स रेज टू पावर एन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन ओवर एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू टू। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एम और एन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एम और एन का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक्स रेज टू पावर 40 है प्लस वन ओवर एक्स रेज टू पावर 20 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट विल बी इक्वल टू टू। पर हमारे पास शर्त क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू ही होनी चाहिए। ठीक है, x प्लस वन ओवर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू ही होनी चाहिए। फिर हम क्या कहेंगे कि अगर x रेज टू पावर x की पावर कुछ भी आ जाए, वन ओवर x की पावर कुछ भी आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टू होगी। और अगर ये माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 17 प्लस वन ओवर x रेज टू पावर 19, x प्लस वन ओवर x हमें टू गिवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट मीन्स की दैट विल बी इक्वल टू टू। यहाँ पे 20 आ गया है एक्स रेज टू पावर एम और एन की वैल्यू 20 आ गई है, इसका आंसर भी क्या होगा, टू होगा। नेक्स्ट वाले का 40 और देन 55, इसका आंसर भी क्या होगा, टू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए 69, 44, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज ये माइनस में है तो इसका आंसर जीरो होगा। नेक्स्ट वाला देखिए 48 और 60, ठीक है माइनस में है तो इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला देखिए एक्स रेज टू पावर 65 प्लस आ गया है एक्स रेज टू पावर 70, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस विल बी टू। क्लियर होगी इतनी चीज। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि x प्लस वन ओवर x जो है वो हमेशा टू होना चाहिए। अगर ये टू आ गया तो आपके पास कुछ भी इसकी पावर्स हो, लाइक टू वन ओवर एक्स स्क्वायर ही हो जाए, तब भी वैल्यू क्या होगी, टू ही आएगी। क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब पहले हमने बात की कि अगर x प्लस वन ओवर x की वैल्यू टू आ जाती है तब हम क्या करेंगे, वो हमने आपको बता दिया। अब अगर x प्लस वन ओवर x की वैल्यू, ये याद रखना, अगर x प्लस वन ओवर x की वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री आ जाए, x प्लस वन ओवर x की वैल्यू क्या आ जाए, स्क्वायर रूट थ्री आ जाए। बहुत बार इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये आपके पास जो क्वेश्चन शो हो रहा है ये 2011 में आया हुआ है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की है जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास x प्लस वन ओवर x की वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री आ जाती है, स्क्वायर रूट थ्री आ जाती है, तब आप क्या कहोगे, तब आपके पास फॉर्मूला होगा x रेज टू पावर 6 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। या फिर आप लिख सकते हो x क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से कोई भी रिजल्ट आपका यूज हो सकता है, ठीक है। और x रेज टू पावर 6 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप कह सकते हो x क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई इतनी चीज। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन है हमारे पास। हमें x प्लस वन ओवर x कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट थ्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, x रेज टू पावर 18 प्लस x रेज टू पावर 12 प्लस x रेज टू पावर 6 प्लस वन, ये गिवन है। आप क्या करोगे, x रेज टू पावर 12 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बचा x रेज टू पावर 6 प्लस वन प्लस वन, x रेज टू पावर 6 प्लस वन। क्लियर। अब देखिए, x रेज टू पावर 6 प्लस वन, मैंने आपको बोल दिया कि अगर x प्लस वन ओवर x की वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री है, तो x रेज टू पावर 6 प्लस वन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट मीन्स कि x रेज टू पावर 12 इंटू जीरो प्लस वन, जीरो, तो ये सारी वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी डिस्कस करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, a प्लस वन ओवर a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसको सेम ही है। इसको करने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। फटाफट से अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। यस, गुड। ये देखिए, a प्लस वन ओवर a, यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या था कि यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया मैम, स्क्वायर रूट थ्री नहीं है। मैंने आपको कहा था x प्लस वन ओवर x क्या चाहिए, स्क्वायर रूट थ्री चाहिए। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए,
तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ए प्लस वन ओवर ए की वैल्यू आ गई स्क्वेयर रूट थ्री, और बाकी सारा तो सेम ही है। ए रेस्ट टू पावर 12 आपने कॉमन निकाला, ए रेस्ट टू पावर 6 प्लस 1 प्लस 1, ए रेस्ट टू पावर 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर 12, 0 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला भी करके देखिए, इसमें फिर आपको वही गिवन है, x प्लस वन ओवर x जो है वो स्क्वायर रूट थ्री गिवन है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में। 10 सेकंड्स मैं देती हूँ आपको इसको करने के लिए। ये सब देखिए, x रेस टू पावर 24 आपने कॉमन निकाल लिया फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो आपके पास बचा x रेस टू पावर 6 प्लस 1, देन नेक्स्ट वाले टू टर्म्स में से आपने x रेस टू पावर 12 कॉमन निकाला, x रेस टू पावर 6 प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, x रेस टू पावर 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू x रेस टू पावर 24। और जब हमारे पास x प्लस 1 ओवर x के रूट 3 होता है तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, x रेस टू पावर 6 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा प्लस x रेस टू पावर 12, x रेस टू पावर 6 प्लस 1, 0, 1, 0। तो ये आपका टोटल कितना आ गया 0। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।